अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ दाऊद अब्बासी। सबसे पहले मेरे देखने सुनने वालों को सलाम। सो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हफ्ते का दिन, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा रश होता है मरीज में, क्योंकि वीकेंड होता है। तो वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा शोर था। मैंने वैसे वीडियो तो बनाई थी जिसमें मैंने खुद वॉइस से बनाई थी, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं आ रही थी। साथ में जो है गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा, गाड़ियों की आवाज़ भी थी, साथ में एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही थी। उस वजह से यार इतना मज़ा नहीं आ रहा था वॉइस ऐसे बात करने में। तो मैंने सोचा कि यार घर चलूँगा, घर जाके आराम से वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर करते हैं मरी के हालात। तो अभी आप देख सकते हैं बाज़ार में माशाल्लाह से फिर से रश हो चुकी है और फिर से रौनक लग चुकी है। और ये रौनक जो लगती है ये तकरीबन भाई हफ्ता इतवार वाले दिन लगती है। तो भाई सामने मेरे आप जितनी भी शॉप्स देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ये यहाँ पे मतलब गाड़ियों पे वर्क हो रहा होता है। जितनी भी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो यहाँ से सही होती हैं। ये जगह आप नोट कर लें, ये है टोपा रोड। और यहाँ पर आपने सामने मेरे देखा था जहाँ पर गाड़ियों पर वर्क हो रहा था, जितनी भी गाड़ियाँ ख़राब थी वो सही की जा रही थी। और अभी आप रश देखें, ट्रैफिक भी जैम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यार आपको मैं जैसे बता चुका हूँ हफ्ता और इतवार वाले दिन मरी में रश होता है, इसके अलावा नहीं होता। अगर आप इसके अलावा भी आएंगे उसमें एक मज़े की बात आपको मैं बताता चलूँ कि यार आपको होटल्स के जो रेंट हैं रूम्स के वो आपको कम पे करना पड़ेंगे, चूँकि रश नहीं होता बिल्कुल भी मरी में। और आपकी पसंद के मुताबिक आपको जितने भी मतलब रेंट देना है रूम का आप ईज़िली दे सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग मरी में घूमने के लिए आने वाले हैं, अब उन्हें चाहिए कि यार आप प्रॉपर अपने साथ जैकेट्स वगैरह लेके आएँ, क्योंकि पहले की बात और थी और मरी का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। और अब जो है शाम को काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और बाज़ लोग नहीं लेके आते साथ, तो यार यहाँ के परेशान हैं कि यार सर कुछ साथ लेके आना चाहिए था, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता कि यार आज कल मरी का मौसम क्या चल रहा है। इस वजह से आप जब भी मरी आएँ तो सबसे पहले जो मेरी वीडियोस देखें, उसमें मैं आपको डेली अपडेट कर रहा होता हूँ मरी के मौसम के हवाले से, और जो कुछ भी मरी में चल रहा होता है उसके हवाले से मैं टोटली आपको अपडेट कर देता हूँ। इसके अलावा गाइस दिन को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका वीडियो बनाने का, और मैं पूरा दिन सोचता रहा कि यार आज वीडियो तो बनानी है ज़ाहिर है, और क्या करूँ क्या करूँ, कैसे टाइम निकालूँ। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि यार आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होता और आप काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में होते हो कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा तो क्या करें। अभी जो टाइम आपको मेरे सामने दिख रहा है, ये मैंने जो वीडियो शूट किया है तकरीबन ये टाइम हो रहा है जनाब 5:30 का मेरे ख्याल से, और 5-5:30 बजे। और जो ज़्यादा आपको मतलब वो अंधेरे वाला फील नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी मैंने वीडियो एडिट की है इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि जो बहुत ब्लैक सी वीडियो आ रही थी तो देखने में मज़ा इतना ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से मैंने थोड़ा सा एडिट वगैरह किया। सो गाइज़ ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।